वेलकम टू ए के सॉफ्ट सॉल्यूशंस, टैली सर्टिफाइड पार्टनर एंड टैली डेवलपर। दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक है आइटम वाइज मंथ वाइज परचेस एंड सेल्स रिपोर्ट। दोस्तों, ये कस्टमाइजेशन के थ्रू किया है हमने, एक रिपोर्ट जनरेट की है। इसमें मंथ वाइज आइटम कितना है सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, पार्टी वाइज कितना हुआ बोल के इसमें नीट से हम फिल्टर करके देख सकते हैं। ये रिपोर्ट कस्टमाइजेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ है, तो ये वीडियो को मैं आपको फटाक से दिखा देता हूँ। हेल्प में जाने के बाद टीडीएल एडवांस में टीसीपी फाइल ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ऐड इन फ्यूचर में आके यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलेगा, एनेबल आइटम वाइज मंथ वाइज सेल्स एंड परचेस रिपोर्ट बोल के, प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री बुक्स में यहाँ पे एक रिपोर्ट मिलेगी आइटम वाइज मंथ वाइज सेल्स एंड परचेस रिपोर्ट बोल के। एंटर करते ही दो रिपोर्ट सब रिपोर्ट्स मिलेंगे, परचेस रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट बोल के। तो परचेस रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। मेरे सिनारियो में मैंने वीडियो डेमो के लिए किया है, तो एक ही ग्रुप क्रिएट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइव में अगर से आपका प्रैक्टिकल डेटा रहा तो उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स आएंगे, जो भी ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके देख सकते हैं। या फिर प्राइमरी बोल के दिए तो सब ग्रुप्स का डेटा, पूरे ग्रुप का डेटा ओपन हो जाता है रिपोर्ट में। तो अभी के लिए मैं एक ग्रुप सेलेक्ट करके एंटर दिया हूँ। देने के बाद यहाँ पे आइटम आएगा, यहाँ पे परचेस किया, सो कौन से मंथ में परचेस किया, कितने बॉक्सेस परचेस किया बोल के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने राइट साइड आके फिल्टर्स दे दिए हैं। यहाँ पे आइटम अलियास पार्ट नंबर वाइज फिल्टर कर सकते हैं, ग्रुप वाइज फिल्टर कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हैं, और पार्टी वाइज भी हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। नीचे एक कॉन्फिग्रेशन का मेन्यू दिया है हमने, कॉन्फिग्रेशन से क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये रिपोर्ट में हमको ग्रुप शो करना, कैटेगरी शो करना बोले तो यहाँ पे इनेबल डिजेबल का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे एलियास भी आप कर सकते हो, पार्ट नंबर भी कर सकते हो। ये आके सिलेक्शन ऑप्शन दिया है हमने कि रिपोर्ट में किस तरह का डेटा आपको दिखाना है, मतलब अल्टरनेट क्वांटिटी प्लस अमाउंट दिखाना है, या अल्टरनेट क्वांटिटी सिर्फ ओनली अल्टरनेट क्वांटिटी दिखाना है, या अल्टरनेट क्वांटिटी प्लस अमाउंट दिखाना है, या अल्टरनेट क्वांटिटी एवरेज अमाउंट एवरेज रेट दिखाना है, या सिर्फ अमाउंट दिखाना है। इस हिसाब से हमने सारा कुछ यहाँ पे फिल्टर करके दिया है। जो कस्टमर को जो नीडेड है वो यहाँ से फिल्टर करके देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे मेन क्वांटिटी मेन अमाउंट ले रहा हूँ। लेने के बाद इस तरह से रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आइटम का नाम आ गया, स्टॉक का ग्रुप का नाम आ गया, कैटेगरी का नाम आया, पार्ट नंबर आ गया। अगर से हम यहाँ पे अलियास को एस करते हैं तो अलियास का कॉलम भी यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने अलियास को नो किया है तो इस हिसाब से यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये मेन क्वांटिटी हो गया और इसका मेन क्वांटिटी का अमाउंट हो गया। इसी डेटा को मैं अगर से फिल्टर करता हूँ अल्टरनेट 23 के थ्रू, तो यहाँ पे अल्टरनेट क्वांटिटी अमाउंट, तो अल्टरनेट क्वांटिटी 600 अल्टरनेट क्वांटिटी पीसेस से सेम अमाउंट आएगा। जैसे कि इसमें यहाँ पे पार्टी को भी फिल्टर कर सकते हैं हम, जो पार्टी चाहे वो पार्टी को यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक कैटेगरी फिल्टर कर सकते हैं, ग्रुप फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ही ग्रुप किया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो एक ही दिख रहा है। आपके सिनेरियो में बहुत सारे ग्रुप चाहेंगे तो आप वो ग्रुप को भी फिल्टर कर सकते हो। रही सेल की बात, सेल एज इट इज रहेगा। परचेज में जो भी ऑप्शन है सेल्स में भी सेम ऑप्शन है, ग्रुप को फिल्टर कर सकते हो आप, यहाँ पे पार्टी को देख सकते हो, आइटम को देख सकते हो। दोस्तों, इस तरह के कस्टमाइजेशन वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ चैनल में। तो किसी को कस्टमाइजेशन के रिलेटेड कुछ नीड्स है, कुछ क्वेरीज है, तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।